हमने रिवील करने वाले हैं दोस्तों, हम कहाँ से हैं, तो बताओ दोस्तों। बच्चा का एक नर माँ का पेट में ही है दोस्तों, बच्चा पूरी तरह बाहर निकल गया। चलो जल्दी बच्चा दो हम लोग लेने के लिए आए हैं। हेलो दोस्तों, आज का नया ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। और दोस्तों आज थोड़ा मौसम अच्छा किया है, है ना? अच्छा किया है दोस्तों, गोल्लू अच्छा किया है। रुको ना, दुख रहा है। अच्छा किया है, और यहाँ पर हमने धान भी सुखा दिए हैं, सूखने के लिए दे दिए हैं दोस्तों। कल ही हमने सीझा कर रखे थे दोस्तों, आज थोड़ा मौसम अच्छा कर दिया ना, इसलिए हम लोग सुखाया है दोस्तों। और देख रहे हो ना मुर्गी कैसे आ रही है खाने के लिए, बहुत ज्यादा दोस्तों मुर्गियां हैं, लेकिन हमारा नहीं, पड़ोसी वालों का है। और उधर देख रहे हो ना दोस्तों, हमारा सड़ा हुआ कुटा गादी खराब हो गई, पूरा बर्बाद हो गया दोस्तों, कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। हम बहुत तरीका से कोशिश किया, लेकिन एक भी कुटा छतु नहीं निकला, नहीं निकला। और आप लोग भी बहुत हेल्प किया था हम लोगों को कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन सभी प्रोसेस को हमने ट्राई किया था दोस्तों, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला अभी तक। तो वो तो बेकार हो गया है दोस्तों, ये तो सूख जाएगा। हाँ, थोड़ा धूप दे रहा है, सूख जाएगा। तो अभी क्या करेंगे? अभी पत्ता को टिपेंगे। पत्ता? हाँ, रुको ना, थक के नहीं मिल रहा, इतना बदमाश क्यों हो तुम। चलो तो दोस्तों अभी हम लोग पत्ता को टिपेंगे, कहाँ, यहाँ पर टिपेंगे ना? यहाँ पर टिपेंगे खटिया के ऊपर बैठ के। और इधर हम भी धान को सुखाने के लिए दे दिए हैं, मुर्गी को भी खेदेंगे। हाँ, और यहाँ पर पत्ते भी टिपेंगे बैठ कर। तो ठीक है, मैं पत्ता को लेकर आती हूँ। देख रहे हो ना कितना बड़ा है दोस्तों, देखो पूरा साइज करके हमने रखा था दोस्तों, आप लोग को हमने नहीं दिखाया दोस्तों कैसे करके हमने रखा है, कैसे करके इतना अच्छा साइज किया है दोस्तों, लेकिन जरूर नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग दिखाएंगे दोस्तों। हाँ, अभी इसको फिनिश करके ही हमारा काम खत्म होगा दोस्तों, रेस्ट मिलेगा, नहीं तो करते रहो दोस्तों। इसमें पैसे है और मेहनत भी है दोस्तों, सभी चीज में मेहनत है, मेहनत के बिना पैसे तो नहीं आता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने पत्ता को टिपने के लिए बैठ चुके हैं, और मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ दोस्तों, मेरा वाइफ लेकिन बहुत धीमा कर रहा है। हाँ, देख रही है ना दोस्तों, नहीं, जब मैं दो कर रहा हूँ तब वो एक कर रहा है दोस्तों, देखते हैं। और पत्ते को दोस्तों हमने ऐसा कपल्स कर रहे हैं दोस्तों, देख रहे हो ना, कपल्स दो पत्ते को एक कर रहे हैं। और इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है दोस्तों, 80 रुपया। हाँ, 80 रुपया। और दोस्तों इसको खत्म करने के लिए हम लोगों को 3.5 घंटा लग जाएगा शायद, हम लोगों को लग रहा है 3.5 घंटा 4 घंटा लग जाएगा मिनिमम। हाँ, बहुत बड़ा है ना, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा पत्ता है। हाँ, बहुत ज्यादा पत्ता है, वो बुरे बड़ा वाला बुरे में हम लोग लेकर आते हैं, उस बुरे का पत्ता सूखने के बाद इतना हुआ है दोस्तों, देख रहे हो ना कितना छोटा, बहुत ज्यादा पत्ता है दोस्तों। और एक बात दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो दोस्तों, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा हम लोग को कमेंट कर रहे थे कि हम कहाँ से है दोस्तों, हम कहाँ से है। तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा आ रही थी कमेंट। तो हमने पिछले Q&A वीडियो में बताया था दोस्तों कि हम लोग ओडिशा से हैं दोस्तों, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हमने मेंशन नहीं किया था दोस्तों, तो वो आज हमने रिवील करने वाले हैं दोस्तों, हम कहाँ से हैं, तो बताओ हम कहाँ से हैं दोस्तों। हम मयूरभंज से हैं। कहाँ से है? मयूरभंज दोस्तों, हम लोग मयूरभंज से हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज है। तो कौन सा गाँव है वो हम अभी नहीं रिवील करेंगे दोस्तों, वो बाद में रिवील करेंगे, जब 20K हो जाएगा दोस्तों, हमारा फैमिली जब 20K हो जाएगा तब हम लोग रिवील करेंगे दोस्तों कि हम कहाँ से हैं दोस्तों, अभी नहीं बताएंगे दोस्तों। तो आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए, और ऐसे ही कमेंट करते रहिए। और एक बार दोस्तों, आप लोग हमारे ब्लॉग चैनल कहाँ से देख रहे हो, आप लोग भी जरूर कमेंट करके बता देना, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा। कहाँ से देख रही हो, हमारा फैमिली कहाँ तक जुड़ा हुआ है हम लोगों को पता नहीं चल रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो पता चल जाएगा हम लोग को भी, और बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। A few moments later. तो दोस्तों सब पत्ता को टिप कर हमने खत्म कर लिया है, है ना? एकदम खत्म दोस्तों, फिनिश्ड। फिनिश हो गया है। देख रहे हो ना दोस्तों, नीचे देख रहे हो ना? हाँ। यहाँ पर और वहाँ पर देखो दोस्तों, बारंडा में भी बहुत सारा है, और बारंडा में दोस्तों मैं टिप रहा था और नीचे मेरा वाइफ टिप रहा था दोस्तों, एक खटिया में हम दोनों मिलकर नहीं कर पा रहे थे दोस्तों, क्योंकि खटिया छोटा है ना, इसलिए हम लोग अलग अलग टिप रहे थे दोस्तों, मैं बारंडा में और मेरा वाइफ नीचे, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा वाइफ टिप लिया है दोस्तों, सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप बड़ी बड़ी बात कर रहे थे ना। हाँ। मैं धीमा कर रही हूँ, मैं स्पीड कर रही हूँ। नहीं दोस्तों, मुझसे नहीं हुआ उतना स्पीड, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया दोस्तों, इसलिए मेरा वाइफ सबसे ज्यादा कर दिया है दोस्तों। और इधर देखो दोस्तों, इधर देख रहे हो ना दोस्तों, हमारा धान भी सूख गया है दोस्तों, और धान को हमने बुरे में डाल दिया है, और अभी क्या
पापा कुछ बुला रहा था हम लोगों को। और दोस्तों पापा ले गए थे बकरियों को जंगल खाने के लिए और अचानक फिर से आ गए घर हम लोगों को बुलाने के लिए और यहाँ पर मेरा पति बैठा हुआ है। हाँ हाँ दोस्तों देख रहे हो ना हमारे स्कूल के पास गांव का स्कूल के पास हम लोग बैठे हैं। पीछे दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को और हम भी आ गए हैं दोस्तों। हम लोग को जब बुलाया हमारा पापा ने कि बकरी एक बच्चा दे रहा है इसलिए हम लोग आए हैं दोस्तों बकरी और बकरी उसकी बच्चा को लेने के लिए दोस्तों। हाँ, अभी तक बच्चा नहीं दिया है देने वाला है बहुत ही। हम लोग जंगल से आधे लेकर आए हैं जंगल में ही दे रहा था दोस्तों। ये रहा है बकरी देख रहे हो ना यहाँ पर सुआ हुआ है। हाँ बच्चा दे रहा है और इसको लेने में भी हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। कैसे लोगी इसको उठाकर तो लेने से इसको तकलीफ हो रहा है ना। हाँ। और पैदल कार भी नहीं जा पा रहा है दोस्तों इसलिए यहाँ पर ही हम लोग छोड़ दिए हैं। ये रहा देखो दोस्तों जल्दी से बच्चा दे रहा है हो रहा है। छोटा डाल लेकर आए हैं दोस्तों और बकरी भी बहुत ज्यादा भूख में है खा रही है। हाँ, खाने के लिए तरस रही है। मेरा हाथ को भी खा रहा था दोस्तों इसलिए मैं लेकर आया हूँ। जल्दी इतना रो रहा है देख रहे हो ना दोस्तों बहुत ही तकलीफ हो रहा है। इसका पेट भी दर्द कर रहा है। हाँ ना? बहुत छोटा है ना दोस्तों इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रही है ना उसके लिए। चलो जल्दी बच्चा दो बच्चा दो हम लोग लेने के लिए आए हैं। हाँ क्यूट सा छोटा वाला बच्चा देगा। हाँ और कैसे खा रही है। तो दोस्तों फाइनली हमारा बकरी बच्चा दे दिया है। ये रहा आप लोग देख रहे हो ना ये अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों बहुत पहले ही दे दिया। हम लोग को लग रहा था आज ही इसका डेट है लेकिन उसका डेट पहले ही दे दिया है। अच्छी तरह से नहीं बना हुआ है बकरी बच्चा देख रहे हो ना। हाँ। लेकिन जिंदा है, नहीं है। हाँ। लेकिन जिंदा है उसका बाल भी नहीं है देखो ये मर जाएगा दोस्तों कुछ टाइम के बाद मर जाएगा। तो दोस्तों हम लोग ले रहे हैं अभी बकरी को उसका बच्चा को मेरा वाइफ ने पकड़ा है और उसका माँ को मैंने पकड़ा हूँ दोस्तों। बच्चा का एक नर माँ का पेट में ही है दोस्तों। बच्चा पूरी तरह बाहर निकल गया है लेकिन एक नर माँ का पेट अंदर में ही है इसलिए हम लोग ऐसे करके ले रहे हैं और मेरा वाइफ ने पकड़ा है। तो दोस्तों हम फाइनली घर आ गए हैं और बकरी का माँ इधर है और बकरी का बच्चा मर गया है दोस्तों। इधर हमने ढक कर रख दिया था देख रहे हो ना ये मर गया इसको ढक दो ढक दो। हाँ ढक देते हैं कितना बुरी हालत है देख रहे हो ना। हाँ। और इधर देख रहे हो ना क्या कर रहे हो दोस्तों देखो इसका मुंह कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ। भूख लगी है। हाँ भूख लगी है जब तुम्हारे मामा आएगा तब खाना ठीक है। हाँ जंगल गए है ना दोस्तों पप्पी दे रहा है। ये हमारी लुदी का बच्चा है। हाँ, लुदी का बच्चा है दोस्तों ये काल ही पैदा हुआ है दोस्तों। हाँ और कितना गोलू गोलू देख रहे हैं ना कलर भी कितना अच्छा उसकी माँ की तरह पूरा माँ की तरह दोस्तों। ये रोता नहीं है दोस्तों माँ की तरह हुई हो लड़की रोता नहीं है दोस्तों देखो है अभी इसको मैं झुला रहा हूँ देखो नहीं रो रहा है दोस्तों देखो मर जाएगा नहीं मरेगा लड़की पैदा हुआ है। हाँ, बहुत। तो हम अभी तक इसका नाम नहीं रखा है दोस्तों। हाँ हाँ इसका नाम क्या रखेंगे आप लोग ही डिसाइड करो दोस्तों कमेंट करके छोटा नाम बता देना। लंबा नाम रखने से बुलाने में थोड़ा दिक्कत होगा। हाय बोलो। हाय 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 दोस्तों कैसे हो मैं तो बहुत अच्छा हूँ आप भी शायद अच्छे ही होंगे। तो ठीक है दोस्तों तो वीडियो के इतने में खत्म करते हैं दोस्तों। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।